राष्ट्रीय जनता दल बोकारो ने जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राजद के जिला अध्यक्ष बुद्ध नारायण यादव ने कहा कि बढ़ती कीमतों से जनता त्राहिमाम कर रही है। विरोध प्रदर्शन करने का अनूठा तरीका अपनाते हुए सैकड़ों कार्यकर्ता गैस सिलेंडर और गाड़ी को रस्सी से खींचते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि खा गया नमक पी गया तेल, ये देखो मोदी का खेल। तेल महंगाई कर दिए नरेंद्र मोदी, तेल हम लोग के मिलता नहीं है, पैसा नहीं है, गरीब गुरबा है, तो हम लोग खींच कर करके ला रहे हैं। तेल का दाम महंगाई एकदम चरम पर है, गैस महंगाई पर है, और जितना जनता का जो सेवा में है सारा चीज महंगाई है। करुआ तेल है जो 200 रुपये हो गया है, दाल है जो कि 200 रुपये हो गया है, खा गया नीमक पी गया तेल, ये देखो मोदी का खेल। इसलिए साथियों आप लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग जब तक जनता का जब तक सुरक्षा चाहिए, महंगाई घटना चाहिए, गरीब गुरबा का ही नाम पर मोदी जी देश को प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और उसके बाद में हम लोग जनता का पसीना भी नहीं उपोछने के काम करते हैं, खून बहाने के काम करते हैं, तो हम लोग पसीना बहा करके परिश्रम कर करके अब मोदी को देश से हटाने के काम करना है। आधा रोटी खाना है, अब मोदी को हटाना है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।